में हिंदुओं के त्योहारों पर और हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा पथराव और उपद्रव मचाया जाता है, लेकिन इसके बाद कोई भी एक्शन और निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है। और सबसे ज्यादा मामले ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में गणेश चतुर्थी पर भी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। यहाँ तक कि वहाँ के हिंदुओं को त्योहार मनाने तक की आजादी नहीं है। हिंदू अगर अपने मन से कुछ करते हैं तो उनके घर जला दिए जाते हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है और ममता सरकार हमेशा की तरह इसे अनसुना और अनदेखा कर देती है। लेकिन अब ममता दीदी को ये जानकर बहुत दुख होगा कि अब हाईकोर्ट ने हिंदुओं की यात्रा को अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की राष्ट्रव्यापी यात्रा के पश्चिम बंगाल हिस्से को मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद हिंदू संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की और वीएचपी बजरंग दल के शौर्य जागरण यात्रा को मंजूरी दे दी। पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से राज्य के कुछ जिलों में रैली को आगे बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार करने के बाद वीएचपी और बजरंग दल के सदस्यों द्वारा 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की गयी। राष्ट्रव्यापी रैली 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल से गुजरने वाली है। वकील अनामिका पांडे और फिरोज एडुलजी के माध्यम से वीएचपी और बजरंग दल के 3 सदस्य चंदन केटी, अमित प्रमाणिक और देवजीत बर द्वारा याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से अनुमति न मिलने के बारे में हाईकोर्ट में अपनी बात रखी। इन संगठनों की तरफ से कहा गया, इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू धर्म से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसका उद्देश्य विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करना भी है, जिन्होंने हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए देश के लिए अपना जीवन लगा दिया। ये धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले विभिन्न स्थलों से होकर गुजरेगा। इस यात्रा के दौरान किसी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा। खैर, कोर्ट की फटकार के बाद ममता दीदी के ऊपर सांप तो रेंग ही गए होंगे, जिससे अब उनका इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आना तो तय है, क्योंकि बंगाल में उनके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, जिस कारण बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं पर दंगे फसाद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।